शहर कायद से खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के एक घर में गैस लीकेज के बाद धमाके से 65 साल खातून जांबहक हो गई, जबकि शौहर और बेटी महफूज रहे। गुलशन इकबाल थाना के SHO गुलाम नबी आफरीदी के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में रब मेडिकल सेंटर के करीब वाकई एक घर में मुबैया तौर पर सुई गैस खुली रहने की वजह से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक घर उमर शरीफ नामी शख्स का है, जहां मुबैया तौर पर रात को घर की पहली मंजिल पर किचन में सुई गैस का चूल्हा खुला रह गया था। खातून ने सुबह चाय बनाने के लिए जू ही चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई तो एक धमाके से आग भड़क उठी, जिसने पूरे घर को लपेट में ले लिया। आग के बाइस इस दौरान 65 साल खातून मुकम्मल तौर पर जल गई और मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि शौहर और बेटी घर से निकलकर जान बचाने में कामयाब रहे। धमाका बहुत जोरदार, हम तो कमरे से निकल के देखा तो आग निकल के बाहर आ रही थी, इतने शोर थे बाहर से आ गई थी आग, इधर वाला तोड़ के बाहर आया, देखने में लोग आ गए, बस यही कहा जाए। अब पता चला वो अंदर, वो मेरी उम्र की है, दिख ही नहीं सकी। जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर आग को फैलने से रोका और इस पर काबू पा लिया।